फ्रेंड्स, आज मैं गोभी मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, 400 ग्राम के करीब गोभी है जिसको मैंने गर्म पानी से धो के ग्रेटर में ग्रेट कर चुकी हूँ। आप चाहे तो इसे चॉप्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर है तो। ये दो प्याज है, ये मैंने मोटे मोटे टुकड़े में काट लिया है। एक बड़ा टमाटर है, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा कैप्सिकम और थोड़ी सी अदरक और लहसुन की फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब चलिए गोभी मंचूरियन के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एकदम फाइन है ये, क्योंकि मैं बारीक वाले से ग्रेटर से ग्रेट कर चुकी हूँ। और ये एक चम्मच रेड चिली पाउडर है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक हरी मिर्च है और फाइनली चॉप एक बड़ा प्याज है, आधी छोटी चम्मच के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर। ये 2 चम्मच मैदा है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी सॉल्ट ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें थोड़े सा नमक डालूंगी। नमक डालते ही इसमें थोड़ा पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए नमक को बाद में ऐड करें। नमक डालने के बाद ये थोड़ी थोड़ी गीली लगने लगेगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो इसकी बॉल्स तैयार नहीं होगी, इसलिए जैसे नमक डालें उसके बॉल्स तैयार करने लगे। और आपकी बॉल्स अगर थोड़ी ज़्यादा गीली हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दें। ये देखिए कितनी आसानी से बॉल्स बन चुकी है। मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा की क्वांटिटी सेम रखी थी, 2-2 चम्मच, वैसे ही आप डालें। अगर आपकी गीली हो जाए तो थोड़ा सा और डाल दें। ये देखिए कितनी आसानी से सारे बॉल्स बन जाएंगी। ये बन के तैयार हो गई है, अब इसे डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब जितना तेल में आए उतना ही अब मंचूरियन बॉल्स डालें इसमें। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। फ्लेम को मैंने लो मीडियम पे रखा है, हाई पे ना रखें। हाई पे रखने से ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी गोभी। इसे लो मीडियम पे ही रखें। और डालने के बाद तुरंत इसे स्टर ना करें, हिलाए ना, ये टूट सकती है। इसे जब नीचे से इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद ही इसे पलटें। चारों तरफ से इसे अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बॉल्स भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, सब चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें 2 चम्मच के करीब हम तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। ये हरी मिर्च को मैंने 20 से काट के ही डाल दिया है। प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में स्लाइसेस में काटा है, ये देख सकते हैं आप। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। इसे हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए उतना ही करना है। अब इसमें अदरक लहसुन फाइनली चॉप्ड किया हुआ डाल दें। सबको हल्का हल्का फ्राई करना है
ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ध्यान रख के इसका कलर चेंज ना होने पाए। अब इसमें आधे कैप्सिकम काट के डाल दें। कटे हुए टमाटर डाल दें। सबको हल्का हल्का फ्राई करना है। इसे हल्का सा पकाना है, सॉटे कर लें। अब इसमें एक चम्मच के करीब नमक डाल दें। नमक हमने मंचूरियन बॉल्स में भी डाला है तो ध्यान से डालें। एक थोड़ा सा इसमें चीनी डालें, आधा छोटा चम्मच जैसे। चीनी डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छी आती है। और एक चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर डाल दें। सबको हल्का सा फ्राई कर लें। नमक डालते ही सब सब्जियां थोड़ी थोड़ी गलने लगेगी। हमें इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें दो चम्मच, बड़ा चम्मच के करीब केचप डाल दें, टमाटो केचप। एक चम्मच चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस। और एक चम्मच के करीब सोया सॉस है, दो चम्मच। सबको अच्छी तरह से मिला दें। चिली सॉस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें और केचप थोड़ा कम डालें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है ग्रेवी के लिए, और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं डालूँगी। मैं हल्का ग्रेवी वाली मंचूरियन बनाने वाली हूँ। अगर आपको ड्राई बनाना है तो इसे ना डालें, सिर्फ सॉस डालने के बाद बॉल्स को डाल दें। मगर मैं हल्की ग्रेवी वाली मंचूरियन बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाली हूँ पानी में मिक्स करके। थोड़ा और पानी मैंने डाल दिया, ये काफ़ी ड्राई होने लगती है। जैसे जैसे इसमें हल्का सा बॉयल आने लगे ग्रेवी में, उसके बाद ही हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। ये देखिए बॉयल होने लगी। अब इसमें सारे गोभी के बॉयल डाल दें। अगर आपको इसमें और ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें। इतनी ग्रेवी काफ़ी है, इसलिए थोड़े से ढक के इसे एक मिनट के लिए बॉयल आने दें। ये देखिए ये बन के तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दें, कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी गोभी मंचूरियन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।